लगातार वाहनों की चोरी की शिकायत पर दुर्ग पुलिस को मिली कामयाबी। बिना नंबर की मोटरसाइकिल चलाते सपड़ाया बोरसीभाटा निवासी धनेश यादव को पुलिस ने गिरफ्त में लेकर किया मामले का पर्दाफाश। दुर्ग जिले में लगातार मोटरसाइकिल चोरी की घटना हो रही थी, जिसको गंभीरता से देखते हुए दुर्ग जिले की पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के निर्देश पर टीम गठित कर मामले की पतासाजी की जा रही थी। इसी कड़ी में बिना नंबर के मोटरसाइकिल चलाते बोरसी भाटा निवासी धनेश यादव को पकड़ा गया, जिसे गाड़ी का कागजात दिखाने बोला गया तो गोल बोल जवाब देने लगा, जिसे गाड़ी सहित चौकी पद्मनापुर लाकर पूछताछ की गई। वहीं पूछताछ में आरोपी ने मोटरसाइकिल को चोरी करना स्वीकार किया और वाहन को आंगनबाड़ी खंडहर बोरसी भाटा में छुपाकर रखना बताया। अभिमान यादव से कुल 4 मोटरसाइकिल बरामद की गई। वहीं दोनों आरोपियों से चोरी की कुल 8 मोटरसाइकिल बरामद की गई। इस संबंध में मीडिया को भिलाई CSP निखिल रखेजा द्वारा पत्रकार वार्ता में जानकारी दी गई। गाड़ी पकड़ने में दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। दुर्ग सिविल टीम और पद्मनापुर चौकी द्वारा सही कार्रवाई कर कुल 8 चोरी की गाड़ियों को बरामद किया गया है। इसमें 2 आरोपी मिले हैं, तो एक रेगुलर चेकिंग के दौरान बिना नंबर की गाड़ी चलाते हुए एक धनेश यादव करके जो है मुख्य आरोपी वो मिला था। उससे पूछताछ की, RC बुक और लाइसेंस की मांग की, तो उसके पास RC बुक नहीं थी, तो संदेह होने पे उसको पद्मनापुर चौकी पूछताछ के लिए लेके गए। और जहाँ पर और पूछताछ के बाद पता चला कि कुल उसने 4 गाड़ियाँ बोरसी भाटा में एक खंडर जगह थी, आंगनबाड़ी थी पहले, वहाँ पर उसने 4 गाड़ी रखी हुई थी। वहाँ पे जाने का देखा तो उसका भी कोई, उसके पास RC बुक वगैरह नहीं था और रिकॉर्ड में देखा तो एक गाड़ी उनमें से पुराना FIR हो चुका था, तो उस पर संदेह का ये हो गया कि ये चोरी की गाड़ी है। और उसके फिर मोबाइल में और जानकारी निकालने के बाद पता चला कि ये इन गाड़ियों को बेचने का प्लान कर रहा था। उसमें एक और आरोपी उसका जो दोस्त था, फिर उससे संपर्क किया, वो वहाँ पे उसको पकड़ने के बाद पता चला कि उसने भी कुल 4 गाड़ी एक अलग अलग जगह पे रखी हुई थी। तो एक गाड़ी तालपुरी से, एक गाड़ी मोहननगर थाना क्षेत्र से, ऐसे कुल मिला के टोटल 8 गाड़ियाँ दुर्ग सिविल टीम द्वारा बरामद की गई है। ये सारी चोरी की गाड़ियाँ थी। इसमें 41147 गाड़ियों के लिए कायम किया गया और एक गाड़ी के पूरे FIR हो चुकी थी पद्मनापुर चौकी में, तो उसी में इसको बरामद किया। पहला चीज़ ये है कि बिना नंबर की गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। आपकी गाड़ी, आपने RC बुक है आपके पास, जब आपने खरीदी हुई गाड़ी तो उसके गाड़ी को नंबर लगाएंगे, तो उससे 2 चीज़ें होगी कि पुलिस को भी एक आसानी होगी कि गाड़ी अगर चोरी होती तो उसको ढूंढने में, और जब कहीं हम रैंडम चेकिंग करते हैं तो गाड़ी का नंबर होता है तो आसान होता है कि तुरंत RC बुक से चेक कर लेंगे कि गाड़ी कार मालिक ही है जो गाड़ी चला रहा है। तो एक ये होगा। और एक ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।